हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग खड़े हैं अपनी विटारा के साथ और आज हम लोग इस पर एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट। सो हाँ, हम चलते हैं आज, देखते हैं क्या माइलेज निकाल के देती है। आप लोगों को भी बहुत जानना था मेरे से कि कितना माइलेज मिल जाता है इस कार से। तो आज हम लोग कवर करेंगे ऑलमोस्ट 100 to 200 किलोमीटर्स, और तो देखते हैं 100 या फिर 200, जो भी अच्छा ही लगे मुझे। तो मोस्टली हाईवेज रहने वाला है इस वीडियो में। सो मैं आपको पूरा बताऊंगा ये कितना माइलेज दे रही है गाड़ी मुझे और मैं कितनी स्पीड पर चलाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू स्पीड लिमिट, वो सब भी मैं मेंशन करने वाला हूँ अपने आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में और जानने के लिए पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। मैं एंड में सारी कैलकुलेशन आपको बताऊँगा। हम मेथड यूज़ कर रहे हैं टैंक टू टैंक वाला मेथड, तो वो भी हम अभी पेट्रोल पंप पर जाएंगे, वहाँ पर फुल करवाएंगे अप टू द ब्रिम, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी राइड को। तो चलिए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब बने रहिए मेरे साथ रास्ते भर में। तो अभी पेट्रोल पंप भरवाना है, पेट्रोल पंप पे जाना है हमारे को बेसिकली, तो वहां पे पेट्रोल भरवाएंगे और आगे आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। तब तक आप रास्तों का मजा लीजिए, अभी थोड़ा सिटी के अंदर है, फिर हम निकलेंगे हाईवे पे। चलिए चलते हैं। फुल करना है भैया, बिल्कुल ऊपर तक फुल कर दो। बिल्कुल ऊपर लबालब कर देना, ठीक है? ठीक। अभी हमारा फुल टैंक हुआ है 26 लीटर में, इतना आया है, तो आप वो देख लेना। चलिए गाइस, अब चलते हैं अपनी राइड पे। पेट्रोल फुल करवा लिया हमने, आपने देखा था, तो अब चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं यहाँ सारी ट्रिप जीरो कर रहा हूँ यहाँ पे, अब तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी वाला एवरेज आप ट्रिप ए को भी जीरो कर देते हैं, ट्रिप बी भी जीरो कर देते हैं, तो अब सारी ट्रिप मेरी जीरो हो चुकी है। सो फाइनली अब मैं आपको मिलता हूँ अगले 50 कुछ किलोमीटर चलने के बाद, तब हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कितना एवरेज शो कर रही है, क्या सिस्टम है इसका। ऐसे मैं आपको हर 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के इंटरवल पे मिलता रहूंगा। सो चलिए चलते हैं। A few moments later. So guys, मैंने ये देखा था अभी कि मैंने एवरेज को रीसेट करते समय मैंने फ्यूल इकोनॉमी को जीरो नहीं किया था, मैंने ट्रिप को जीरो किया था। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर हम 3.3 किलोमीटर चल चुके हैं, उसके बाद जाके मैं एवरेज को जीरो कर रहा हूँ। तो हम देख लेंगे वो टोटल कैलकुलेशन में कैसे करना होता है मैनेज। तो यहाँ मेरी ऑडोमीटर में स्पीड लिमिट इज ऑफ 100 किलोमीटर, तो हम वही मेंटेन करने वाले हैं। और आप माइलेज भी देख सकते हो। हाय गाइस, फाइनली हम लोग अब 26 किलोमीटर्स और हम कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी में।
तो अभी तक की मेरी राइड काफी ज्यादा स्मूथ रही है, काफी कंफर्टेबल रही है। और अभी हम जो थे एक्सप्रेसवे पे, दैट वाज द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो उस पे हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिट थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने उसी रेंज के अकॉर्डिंगली अपनी गाड़ी को चलाया है। माय स्पीड वाज रेंजिंग फ्रॉम बिटवीन 90 और 100 किलोमीटर, तो मैंने उसी रेंज में पूरे टाइम गाड़ी को चलाया है। अब क्या माइलेज आया है वो मैं देखता हूँ, मैं आपको अभी बताऊं या फिर आपको एंड में ही बता दूंगा एक साथ कि मेरे को उस पर्टिकुलर लेग में कितना माइलेज मिला। सो नाउ वी आर एंटरिंग द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व्हिच इज हेडिंग टुवर्ड्स सोनीपत एंड मुरथल। तो हम वहां तक चलते हैं और यहां पे बताएंगे आपको हमारी क्या आती है। और आपको एक क्लू दे देता हूं, यहां पर जो स्पीड लिमिट है इन दिस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दैट इज ऑफ 120 किलोमीटर, तो हमारी स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग रेंज करने वाली है। तो प्लीज जुड़े रहिएगा इस वीडियो में और मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि कितना माइलेज निकल के आता है। फिलहाल आई एम वेरी शॉक्ड कि गाड़ी इतना माइलेज दे सकती है। सो यस, इट वॉज जस्ट अ हिंट, बाकी आपको मेन में आपको आगे बताऊंगा। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइज हमने अपने ट्रिप के 50 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं और फिलहाल आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर क्या माइलेज शो हो रहा है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये देख के मुझे बताना, बाकी मैं आपको अपना रिएक्शन भी दे देता हूँ। फाइनली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि 25.2 दिखा रहा है और इस वक्त हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हैं जहाँ पर 120 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड लिमिट है। तो आई एम जस्ट क्रूजिंग एट 110 किलोमीटर पर आर। तो उसके अलावा से हम लोग देख रहे हैं कि हमने इतना निकाल दिया है इस गाड़ी से माइलेज। सो बहुत अच्छी चीज़ है। फिलहाल अभी हमें और लंबा लेग कवर करना है, तो चलिए उसमें देखते हैं क्या होता है। सो यस, अभी के लिए इतना ही, आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमारे को फाइनल माइलेज। हिंट आपको लग रहा होगा कि अगर मैं इतने किलोमीटर चल चुका हूँ और मेरी स्पीड ये रही है तो मेरे हिसाब से तो इसी लेवल पे स्टैग्नेंट रहेगा माइलेज। मोर प्रोबेबली अगर थोड़ा बहुत घट सकता है, बढ़ सकता है, वो देखा जाएगा कि कैसे ट्रैफिक कंडीशन मिल रही है। बाकी ओवरऑल वर्डिक्ट मैं आपको सारा एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए प्लीज बने रहिएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी ट्रिप के ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। सो इट्स अबाउट मोर देन हाफ ऑफ द जर्नी, बिकॉज मैंने सोच रखा था कि मैं अराउंड 150 किलोमीटर्स पूरे करने वाले हैं इस ट्रिप में। सो हमने 81 किलोमीटर्स और कवर कर लिए हैं और फिलहाल जो मुझे माइलेज मिल रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अब हम एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टुवर्ड्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। सो अभी भी हम उसी एक्सप्रेसवे पे हैं, अभी भी वही स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आर की, जिसमें से कि हम मेंटेन करके चल रहे हैं 110 120। तो 120 पे इस बार चलाई मैंने, तो आप देख सकते हो मेरा माइलेज कहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ रख रखा है आपके लिए 24.3 पे आ गया है। जब मैंने आपको पहली इससे पिछली क्लिप में दिखाया था तब हम आ रहे थे, तब हमारे पास 110 की स्पीड थी जो कि फ्लक्चुएट कर रही थी 100 to 110, तब 25 समथिंग का माइलेज था। बट नाउ आई वाज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 120, तो कॉन्स्टेंटली क्रूज कंट्रोल पे चल रही थी गाड़ी, तो अब इसका माइलेज आ रहा है 24.3। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो अभी हम लोगों ने मोटा मोटा कवर किए हैं 81 किलोमीटर्स। अभी हमारे को और कवर करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 78 किलोमीटर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी, तो देखते हैं क्या दिखता है हमारे को आज यहाँ पर। सो यस, चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने अपनी जर्नी के ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं, द फाइनल लेग इज रिमेनिंग। तो फिलहाल जो माइलेज मुझे कार दे रही है दैट इज़ अबाउट 24.1 किलोमीटर्स और अभी भी हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हैं, जस्ट अबाउट टू टेक द एग्जिट टुवर्ड्स द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो हमारी अभी एवरेज स्पीड आप मान सकते हो रही है अबाउट 110 और 100 to 110 के बीच में रेंज करी है, वेयर द स्पीड लिमिट वॉज 120। तो हम लोगों ने अभी इतना एवरेज निकाल लिया है, तो बाकी हम आपको फाइनल लेग के बाद डिटेल में सब कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देंगे।
सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी ये वीडियो और आप लोग भी खुश होंगे इस गाड़ी के एवरेज से, क्योंकि बहुत से लोगों को जानना था कि ग्रैंड विटारा जो कि माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम है, नॉट द प्योर हाइब्रिड, वो कितना एवरेज दे देगी, तो आप देख सकते हो। बाकी चलिए अब चलते हैं आगे और आपसे फाइनली मिलते हैं हम आपको जो पेट्रोल भरवा रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम लोग अपने फाइनल स्ट्रेच को कवर कर चुके हैं और पहुंचने वाले हैं अपने पेट्रोल पंप जहां से हमने फ्यूल लिया था स्टार्टिंग में। तो फिलहाल हमारी कार चल चुकी है 157.1 किलोमीटर्स, बट आपको एग्जैक्ट रीडिंग बताऊंगा जब हम गाड़ी खड़ी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप आ गया है लेफ्ट साइड, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है वैसे तो। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि यहाँ पर जो माइलेज मिल रहा है स्क्रीन में वो कितना डिफर करता है एक्चुअल माइलेज से। सो आप रीडिंग यहाँ देख सकते हो, 157.4 किलोमीटर चल चुकी है कार और अभी फिलहाल माइलेज दिखा रही है 24.1 का, ऊपर तक बिल्कुल फुल। तो हमारी गाड़ी में आया है फिलहाल 6.78 लीटर्स, यहाँ पर 655 का रेट चला 96.72। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रीडिंग। यहाँ किलोमीटर्स दिखाऊं तो 157.4 किलोमीटर्स मिलने वाले हैं, चल चुके हैं हम। सो गाइज, अब चलते हैं एंड करने के लिए, एक अच्छी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। आपको मैंने डिटेल्स वगैरह सब दिखा दी है, तो अब कैलकुलेशन करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, 157 किलोमीटर हमने ऑलमोस्ट चलाया। तो अब हम उसकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए स्क्रीन पर डाल दूंगा। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी थी, तो आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उम्मीद नहीं थी कि हाईवे पे ये इतना माइलेज दे देगी, बट यस, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करके आई है। और अगर आप मुझसे पूछो कि हम लोग किस तरीके से चलाइए, तो मैंने आपको पिछली क्लिप्स में बता रखा है जो स्पीड लिमिट है मैंने उसको रेंज में ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ी को चलाया है। इफ़ द स्पीड लिमिट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आर, तो मैंने उसको 90-100 के बीच में फ्लक्चुएट किया। अगर स्पीड लिमिट 120 थी तो मैंने 110, 120 और इवन 100 मैंने इन पे चलाया है। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल मेरी गाड़ी चली है 90-120 के बीच में। कई कई जगह सिटीज के जब क्लोज कर रहे थे हम टोल प्लाजा पे, तब हमारी गाड़ी की स्पीड हो गई थी अराउंड 60 किलोमीटर, तो वो भी था। कहीं कहीं हमें ट्रैफिक मिला तो हमने वहाँ भी देखा। सब कुछ देखने के बाद ये फाइनल माइलेज निकल के आया जो कि था अराउंड 23 किलोमीटर। तो ये एक बहुत अच्छा माइलेज है। इनफैक्ट आप ये सोचिए, ओनली हाईवे के लिए भी हमने टेस्ट किया है, बट अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लिप देखी होगी इस वीडियो में, तो आपको दिखा होगा कि मेरा इनिशियल माइलेज क्या शो हो रहा था। So that was around 16.5 kilometers, जो कि था for kilometers of around 500 kilometers, something 520 kilometers or something like that. उसमें मेरे को मिला 16.5 का माइलेज, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा अब आप देख सकते हो ये गाड़ी कितनी अच्छी से मेरे को परफॉर्म करके दिया है। बाकी मैंने एसी भी ऑन कर रखा था 23.5 पे, टेम्परेचर को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे मैंने इसको सेट कर दिया था, तो काफ़ी अच्छे से चिली एसी था, कोई दिक्कत नहीं हुई पूरी गाड़ी के साथ, अच्छी खासी इसने माइलेज दे दी है। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस नाउ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारा खुश रहिए। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ग्रैंड विटारा बाय करना चाहते हो, तो मैंने अभी फिलहाल दो बड़े चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे आप लोग उनको पक्का जानते होंगे, वन इज़ द वाहन ऑफिशियल, अदर इज़ द समीर वेकेशन चैनल, इनको ओनरशिप रिव्यू दिया है।
तो आप जाके वो भी चेकआउट करना, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, दोनों वीडियोस का आप चेक कर सकते हो। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वन, प्लीज गिव इट अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।